सदर तहसील के 14 थानों पर नायब तहसीलदार रोस्टर के अनुसार मौजूद रहकर जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान करेंगे, जिसके संबंध में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। इसके अलावा जिलाधिकारी, एडीएम और उनके द्वारा भी जन सुनवाई की जाती है तथा आईजीआरएस पर भी शिकायतें आती हैं, जिसका समाधान थाना दिवस और तहसील दिवस में किया जाता है, लेकिन ज्यादा शिकायतें होने का कारण निस्तारण नहीं हो पाता है, जिसको देखते हुए एक रोस्टर जारी किया गया है, जिसमें नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी 2 घंटे थाने पर मौजूद रहकर जनता की समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि जनता की समस्याओं का 100% निस्तारण हो, जिससे जनता को थानों और अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, इसमें जैसा कि आप जानते हैं गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई होती है, जनता दर्शन लगता है। इसके अलावा हमारे पास आईजीआरएस, कमिश्नर सर, डीएम सर और मेरे स्वयं के जन सुनवाई के काफ़ी सारे प्रकरण आते हैं, जिसको कि ये सब तहसील दिवस, समाधान दिवस के इतर हैं। इनको करने के लिए हमारे पास काफ़ी कम समय रह जा रहा है और चेज़ करने के लिए थाने स्तर और तहसील स्तर की जॉइंट टीम रिक्वायर्ड है। तो हमने नायब तहसीलदार और एसएचओ दोनों को थाने के ऊपर हर रोज़ 2 घंटे के लिए बिठाया है कि सिर्फ यही सब प्रकरण जिसके अंदर की राजस्व और पुलिस की जॉइंट टीम की ज़रूरत है, उनका मॉनिटरिंग करें, सुपरविजन करें, जहाँ जहाँ नहीं हुआ है उनको फीडबैक लेके और त्वरित कार्रवाई करते हुए निस्तारण कर दिया जाए। महीने में कितने दिन थानों पर? ये हर एक रोज़ के लिए जो 14 थानों में हमने रोस्टर जारी किया है, इसमें मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी हर रोज़ वहाँ पे बैठेंगे। हर एक थाने का अलग अलग दिन हमने डिसाइड किया है।